Hello, my dear kids. How are you? Fine? Good. So today we are going to continue with third chapter. Okay? जैसे कि हमने पहले two chapters में phonics words revise किए, chapter revise किया और question answers किए, वैसे ही हम third chapter में भी पहले phonics करेंगे, उसके बाद chapter read करेंगे और question answers देखेंगे. Okay? So let us start with first phonics. So in this chapter we have short e sound words. Okay, so short e ka sound kaisa hota hai? A. Don't confuse between a and e. Okay, mujhe pata hai ki aapko usme confusion ho raha hoga. Dekho, a ka jo sound hota hai, short a ka sound, wo hota hai a. ओके और शॉर्ट ई का साउंड होता है ए ए ए. ओके सो शॉर्ट ई का साउंड है ए. सो नाउ लेट अस स्टार्ट. सी ये एल, एल का साउंड क्या होता है? ल, है ना. तो ल और उसमें ई का साउंड आपको ब्लेंड करना है तो क्या होगा? ले, ले ट, लेट. अगेन पी, पी का साउंड प और उसमें ई का साउंड यानी ए, तो प में ए का साउंड होगा तो क्या होगा? पे, पे ट. सिमिलरली से ट. अब ये और एफ का साउंड है ना, फ, फे, फेल. टेल, रे, र, साउंड ऑफ आर इज र, र में ए, सो रे, रेड. एंड है ड. ओके देन वह, साउंड ऑफ डब्ल्यू इज वह, सो उसमें ई का साउंड यानी कि ए, सो वेब. बैड, डेन, सो डेन. नेट, टेन, टेन. हैन, देन वेट. एंड जेट, ये जे का साउंड ज, सो उसमें ए, सो जे, जेट. ओके देन लेट अस सी सम मोर वर्ड्स. नाउ एस एच का साउंड होता है श. ओके और उसमें ई, सो उसका साउंड क्या होगा? श, शेल. देन रेड और बेड, सॉरी ये हमने मिस कर दिया, स्वे. एस डब्ल्यू को हम रीड करेंगे स्वे, स्व और उसमें ए, सो स्वे, स्वेल. देन डी, सो उसका साउंड क्या होता है? ड, डेब. वेब. टेस्ट, टेस्ट. वेस्ट, वेस्ट. देन डेन. पेन. बैट, बैट है ना, ब और उसमें ई का साउंड, सो बैट, बैट. नेट, नेस्ट. बेस्ट. टेन एंड हैन. ओके सो दिस इज अवर फोनिक्स. नाउ लेट अस स्टार्ट चैप्टर. सो वन डे, अब देखो ये कैसे रीड करोगे. हमने सीखा था ना फर्स्ट और सेकेंड चैप्टर में दैट सी एच क्या होता है, उसका साउंड च, सो च और उसमें आई, शॉर्ट आई का साउंड होगा इसमें, सो ची, चिकन. लिकन, अब देखो ये जो ई है आप कहोगे कि मैम इसमें तो शॉर्ट ई का साउंड आएगा, सो चिकन नहीं होता है. नो दैट इज इनकरेक्ट. ओके सो दैट इज, सो हमें इसे चिकन ऐसे रीड करना है. चिकन लिकन, चिकन लिकन. वॉक्स, इसमें एल है वो कैसा है? साइलेंट है, यानी कि लिखना है पर बोलना नहीं है. एल जो है वो कैसा है? साइलेंट. सो वॉक्स. इन द, अब ये
फो, एफ ओ का क्या होगा, फो रेस्ट, फॉरेस्ट। ओके, तो चिकन लिकन कहाँ जा रही थी, फॉरेस्ट में जा रही थी, वहाँ उस वहाँ पे चल रही थी। एंड अकून, अकून क्या होता है, ये दिस इज अकून। ओके, फॉल्स, फॉल्स फ्रॉम अ ट्री ऑन टॉप ऑफ हर लिटिल हेड। क्या होता है, और ये जो एक अकून है, अब यहाँ पे आपने देखा ना कि हमने एंड लिखा, क्यों, क्योंकि उस पे उसके सर पे सिर्फ वन अकून गिरता है, यहाँ पे उसके लिटिल हेड पे। और अकून में बिगिनिंग साउंड कैसा है, शॉर्ट, हाँ वॉवेल का, सो हम यहाँ पे एंड लिखेंगे। ओके, सो जो एक अकून है वो उसके लिटिल हेड पे यहाँ पे गिरता है। देन शी सेज माय, ओ माय, द स्काई इज फॉलिंग। ये क्या है, फॉल, एफ ए डबल एल, सो दैट इज फॉल। और अगर किसी के वर्ड के पीछे आई एन जी हो तो उसे हमें रीड करना है इंग, आई एन जी यानी इंग, सो फॉलिंग। फिर वो बोलती है, ओ द स्काई इज फॉलिंग, शी रन्स एंड रन्स, और फिर वो दौड़कर जाती है, शी स्टार्ट्स रनिंग ऑन द वे। ठीक है, कहाँ पे, वो रास्ते में जब जा रही थी, शी मीट्स, ये क्या है, मीट्स। अब यहाँ पे जो ये शी है वो प्रोनाउन है ना, वो किसे, वो किसी लिए यूज़ किया है, चिकन लिकन के लिए। शी मीट्स हैनी पे, पेनी, ये क्या है, पे पेन नी हैन नी। ओके, जो हैनी पेनी को मिलती है, जो क्या है, एक हैन है, द हैन, तो यहाँ पे हैनी पेनी में और हैन में शॉर्ट ई का साउंड है, सो ये हैनी पेनी जो है वो इसे इसे पूछती है वाई। अब देखो ये क्या है, वाह वाई। ओके, वाई आर यू रनिंग, रनिंग, उसे पूछती है कि तुम दौड़, तुम क्यों, वाई आर यू रनिंग, तुम दौड़ क्यों रही हो। देन चिकन लिकन सेज द स्काई इज फॉलिंग, हैनी पेनी रन विथ मी, वो कहती है कि ये जो पूरा स्काई है वो गिर रहा है, दैट मीन्स कि जो पूरी वर्ल्ड है, पूरी दुनिया है, वो क्या हो जा रही है, ख़त्म हो जा रही है, डिस्ट्रॉय हो जा रही है, तुम भी चलो मेरे साथ, तुम भी दौड़ो। देन हैनी पेनी आस्क्स, ओह वेट, ये क्या है, वेट, W A V I, सो वेट, हाउ डू यू नो। अब देखो ये के जो है वो इसमें साइलेंट है, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे लेकिन उसका साउंड हमें बोलना नहीं है, सो नो, हाउ डू यू नो, तुम्हें कैसे पता चला। देन चिकन लिकन सेज सम ऑफ इट फेल ऑन माय हेड, उसने कहा कि थोड़ा सा जो वो स्काई फॉल हो रहा था ना वो मेरे हेड पे गिर गया, मेरे सर पे गिरा। देन हैनी पेनी सेस क्लक क्लक, ये क्या है, क्लक, अ, यहाँ यू का साउंड जो है वो अ, ओके, सो क्लक क्लक, यानी कि वो जो जैसे हेन बोलते हैं ना वैसे। लेट अस रश, ये क्या है, रश, आर यू, यानी कि यू का साउंड इसमें क्या है, अ, सो र में अ का साउंड र, और श, रश टू द किंग, वो कहती है चलो चलो हम किंग के पास चलते हैं जल्दी से, रश करना मतलब दौड़कर जाना। सो द टू सेट ऑफ
टू द किंग, और दोनों ही किंग के पास गए। ऑन द वे दे मीट डकी लक्की, द डक। वो क्या होता है कि अब वो जब जा रहे थे तो वहाँ पे अपने वे में यानी कि रास्ते में वो किससे मिलते हैं, डकी लक्की से। ये डक है और उसका नाम क्या है, डकी लक्की। देन डकी लक्की जो है वो उनसे कहती है, वे मैंने आपको सिखाया था ना, डब्ल्यू डब्ल्यू का साउंड होता है व और उसमें एच सो व और उसमें ई का साउंड सो वे, वेर आर बोथ ऑफ यू गोइंग। मैंने आपको सिखाया ना कि आई एन जी जब भी किसी के वर्ड के पीछे लगा हो सो उसका साउंड होगा इंग, आई एन जी सो इंग, सो गो इंग। सो वेर आर बोथ ऑफ यू गोइंग, ऐसा डकी लकी लकी ने उनसे पूछा कि आप कहाँ जा रहे हो। देन हैनी पेनी सेज, ओह डकी लकी द स्काई इज फॉलिंग, वी आर गोइंग टू द किंग। उसने क्या कहा कि जो पूरा स्काई है वो गिर रहा है तो हम अपने किंग के पास जा रहे हैं। देन डकी लकी सेज क्वैक क्वैक, वैसे बोलता है ना डक क्वैक क्वैक। सो उसने कहा आई एम कमिंग टू, मैं भी आपके साथ आ रही हूँ। सो कम और इंग कमिंग, ओके। देन द थ्री देन मीट फॉक्सी लॉक्सी द फॉक्स, यानी कि ये जो तीनों ही है चिकन लिकन हैनी पैनी और डकी लकी अपने वे में फॉक्सी लॉक्सी से मिलते हैं। सो फॉक्सी लॉक्सी ने भी उनसे पूछा, वेर आर यू ऑल, ये क्या है ऑल रनिंग टू, उसने कहा कि आप सब कहाँ जा रहे हो दौड़ दौड़ कर। देन डकी लकी सेज द स्काई इज फॉलिंग, वी वॉन्ट टू टेल दिस टू द किंग, ये जो पूरी स्काई है वो गिर रही है और हमें ये किंग को बताना है। वॉन्ट ये क्या है, वॉन्ट वॉन्ट, ओके। देन चिकन लिकन सेज यस सम ऑफ इट फेल ऑन माय हेड वेरी हार्ड, और जो कुछ कुछ था वो मेरे सर पर भी गिरा। फिर ये जो फॉक्सी लॉक्सी है उनसे कहता है, देन वी शुड श्योरली टेल दिस टू द किंग, वो क्या कहता है कि हाँ हाँ तो हमें किंग को ज़रूर बताना चाहिए। तो अब देखो ये क्या है, शुड, ओके। इसमें जो ये एल है वो लिखा जाता है लेकिन हमें रीड नहीं करना है, शुड एल का साउंड इसमें नहीं बोलना है, शुल्ड ये रॉन्ग है, हमें कैसे इसे रीड करना है, शुड, ओके। एंड दिस इज श्योर श्योरली, ओके। देन ही आस्क्स डू यू नो वेर ही लिव्स, ये क्या है लिव्स एल आई सो लिव्स, ओके। वो कहता है कि हाँ हाँ हमें किंग के पास जाना ही चाहिए लेकिन आपको पता है कि वो कहाँ रहता है, कहाँ रहते हैं। सो दिस थ्री ऑफ ऑल ऑफ दिस थ्री सेड नो वी डोंट, क्या कहते हैं तीनों, नहीं हमें नहीं पता कि वो कहाँ रहते हैं। देन फॉक्सी लॉक्सी सेज वेल, अब देखो इसमें भी क्या है साउंड ऑफ ई ए, ओके सो व और उसमें ए का साउंड सो वे, वेल आई डू नो आई कैन टेक यू टू हिम फॉलो मी, ये क्या है फॉलो, वो क्या कहता है कि वेल मुझे पता है कि वो कहाँ रहते हैं, आप सब मेरे पीछे पीछे आओ मुझे फॉलो करो। फिर ये फॉक्सी लॉक्सी खुद ही सोचता है, टुडे
आई शैल हैव, शैल ये क्या है, शैल हैव अ यम्मी लंच। अब देखो इसमें यू का साउंड क्या है, अ, सो ये य, ओके। वाई का साउंड क्या होता है, य होता है ना, सो यम्मी, यम्मी लंच। अब देखो एल यू, सो ल, इसमें भी यू का साउंड अ है, सो ल में अ का साउंड ल, लन एन, सो लन एंड अगेन च, लंच, ओके। ही टेक्स देम टू हीज डेन, और जो ये फॉक्सी लॉक्सी क्या करता है, खुद की ही डेन में उन्हें लेकर जाता है। देन फॉक्सी लॉक्सी सेज गो राइट इन, गो राइट इन एंड मीट द किंग। वो क्या कहता है उन्हें कि जाओ ये जो डेन है इसमें किंग है वो रहते हैं, आप उसमें जाओ और उनसे मिल लो। दे ऑल गो इन एंड नेवर एवर कम आउट अगेन। वो तीनों ही अंदर जाते हैं और कभी भी बाहर नहीं आते, क्यों, क्योंकि ये फॉक्स उन्हें क्या करता है, खा जाता है ना। अब ये देखो ने, न में ए का साउंड ने, ने वर ए वर, ओके। सो दिस इज अवर चैप्टर, नाउ वी विल सी क्वेश्चन आंसर। सो क्वेश्चन आंसर्स फर्स्ट वन और ए, व्हाट फॉल्स ऑन चिकन लिकन्स हेड, चिकन लिकन के हेड पे क्या गिरता है ना, यस एंड अ कून। तो ये व्हाट की जगह हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, एंड अ कून, एंड अ कून, और फिर दिस इज सेम एज सेट ऑफ क्वेश्चन, फॉल्स ऑन चिकन लिकन्स हेड, एंड अ कून फॉल्स ऑन चिकन लिकन्स हेड, ओके। अब आप ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पे ये जो एस है इसे कहते हैं अपोस्ट्रॉफी एस, ठीक है, दैट यू विल लर्न इन हायर क्लासेस। देन बी, वह, वेर डज फॉक्सी लॉक्सी टेक द एनिमल्स, फॉक्सी लॉक्सी एनिमल्स को कहाँ लेकर जाता है, यस अपनी डेन में। सो हम आंसर यहाँ से स्टार्ट करेंगे, फॉक्सी लॉक्सी टेक्स, प्लीज नोट कि यहाँ पे हमें एस लिखना है, ओके, और वो क्यों लिखेंगे वो हम हमारे ग्रामर पोर्शन में आगे सीखेंगे। फॉक्सी लॉक्सी टेक्स द एनिमल्स टू हिज डेन, ये सेम एज क्वेश्चन, और कहाँ लेकर जाता है, सो टू हिज डेन, ओके। व्हाट हैपेंस टू द एनिमल्स इनसाइड द डेन, थिंक एंड राइट। जब वो तीनों एनिमल्स जो है फॉक्सी लॉक्सी के डेन में जाते हैं, चिकन लिकन हनी पैनी और डकी लकी, तो क्या होता है, दे वो हमेशा वो जाते हैं लेकिन कभी भी बाहर नहीं आते हैं ना। सो दे ऑल गो इन एंड नेवर एवर कम आउट अगेन, है ना, वो अंदर जाते हैं उसकी डेन में लेकिन कभी भी बाहर नहीं आते। सो दिस इज अवर क्वेश्चन आंसर्स, सो दिस इज योर टुडेज क्लास वर्क। अगेन ये सिर्फ हमें रीड ही करना है, यू हैव नो राइटिंग पोर्शन एंड होमवर्क, ओके।